नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर ऐड रिमाइंडर का ऑप्शन क्यों दिया गया है और यह कहां पे है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो वीडियो होगा नीचे में आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उस फ़ोटो को आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर इस फ़ोटो पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐड रिमाइंडर का ऑप्शन दिया गया है। अब इस ऑप्शन को यूज करने के लिए, चलाने के लिए आपको ऐड रिमाइंडर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक जानकारी दिया गया है। अब यहाँ से अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटो पर कोई भी इवेंट डालते हैं तो वह जो इवेंट है उसका यहाँ पर जो भी वहाँ पर टाइटल होगा, समय होगा और वहाँ पर जो भी उसका डिटेल होगा यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका यह जो भी पोस्ट है इस पर आप जो भी इवेंट डाल रहे हैं, इस पे जो भी इवेंट आएगा वह इवेंट का लोग रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से वह रिमाइंडर इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी इवेंट डालिएगा वह जो इवेंट है आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर भी शो करेगा। अब आपको इवेंट सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको अपने इवेंट का नाम डालना है यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम यूट्यूब मीटअप टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी देना है, कोई भी आपको प्लेस देना है, जगह देना है या आपको किसी भी तरह का न्यूज डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टार्ट टाइम का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आपका जो YouTube का मीटअप है, यानी कि जो भी आप इवेंट डाल रहे हैं वह किस टाइम में आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टार्ट टाइम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर 3 महीना के लिए इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आज के लिए इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आज के लिए भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 घंटा पहले आपको इवेंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, सेट करना होगा। अब यहाँ से आपको जब भी इवेंट करना है यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट ऊपर में दिख रहा है, तो आपको जो भी यहाँ से डेट लेना है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलता है कि आप किस टाइम में इवेंट को सेट करना चाहते हैं, किस टाइम को आपको डालना है, किस टाइम में इवेंट करना है। उसके बाद यहाँ से मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप रात में करना चाहते हैं तो AM देना है, अगर आप दिन में करना चाहते हैं तो आपको PM सेलेक्ट कर लेना है। टाइम डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका मीटअप का टाइम और डेट का डिटेल है यहाँ पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप इंड टाइम देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आपको इसी तरह से रहने देना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो इवेंट है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर फ़ोटो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखता है, तो आपको शेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप इवेंट का टाइम दिए होंगे यहाँ पर आपको कैलेंडर शो करेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके उसका टाइम डेट देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिमाइंड मी का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है या कोई भी इंस्टाग्राम पर जो भी लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं यहाँ से वो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आपका जो इवेंट है वह कब है, उसको इंस्टाग्राम नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देगा, तो यहाँ पर वह क्लिक करेगा तो यहाँ से जो उसका रिमाइंडर है सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी इवेंट आने वाला होगा तो उसको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो उसको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पर ऐड रिमाइंडर का ऑप्शन कहाँ दिया गया है और उसको कैसे यूज करते हैं।
और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।